नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। For JETSA Panasonic Solar, call on 9811800067. JETSA or Panasonic. तो प्रधान जी, कल से आपने दिल्ली पहुंच के लिए रवाना हुए हैं पलवल से, तो आप आज कहां तक पहुंचे हैं और क्या आगे की प्रतिक्रिया है? ये हम कल तो आए थे, पिरथली में हमारा पड़ाव था। ज्वालापुर पुलिस ने रोका था पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई पैदल जा सकते हो, पैदल की परमिशन दे दी। आज हम यहाँ पिरथली से और यहाँ पर आए हैं जारसैत्री तक जाने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं जाओगे। पता नहीं हरियाणा प्रशासन में अलग अलग बात अलग अलग होती है। पहले परवल पुलिस दे देती है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता। तो हमने इनसे कहा कि 10 मिनट का समय ले लो, 10 मिनट में बात करते हो ठीक, वरना हम रोड पर जाम करेंगे और हम ये अपने रास्ते जो हमने दिल्ली कूच का रास्ता अपना रखा है उसे करेंगे 101%। चाहे कुछ भी हो, प्रशासन अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। 10 मिनट बाद कोई सोल्यूशन निकलता, कोई तो निकलता क्या? इन्होंने हमें सर्विस रोड पे खड़ा कर किया हुआ है। हमारे जितने भी युवा साथी और बुजुर्ग साथी जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम सर्विस रोड से हम दूसरे रोड पर खड़े हो जाएंगे और जाम लगा देंगे, इससे अच्छा है आप सीधे सीधे हमें अपने रास्ते जाने दो। अगर नहीं जाने दिया तो हम रास्ते को जाम करेंगे अभी इसी वक्त। अगर रास्ते जाम किए जाएंगे तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी? कोई बात नहीं, वाटर कैनल का इस्तेमाल भी कर सकते जो करेगी। जब वो हमारे 600-700 किलोमीटर से जब पंजाब से हरियाणा से जब आते किसान, उन पर लाठीचार्ज पानी हुई है, तो आज हम भी देखेंगे क्या होता है, इनका भी हम भी अंजाम देखेंगे और इंतजाम इनका है, हम अपना इंतजाम करेंगे। नरवीर जी, कल से आपने पलवल से दिल्ली को उसके लिए रवाना हुए हैं, तो रास्ते में बहुत परेशानी आई होंगी, तो किस किस के आपकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? पलवल SP ने तो हमारी बात जल्दी मान ली, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। पर अब जो फरीदाबाद कमिश्नर है, जो प्रशासन है, वो अभी दिक्कत हमारे साथ कर रहा है। अब उसने टाइम लिया है, अब दोबारा 10 मिनट का टाइम लिया। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जब कार्रवाई। 10 मिनट के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो क्या आपके आगे क्या निकलेंगे? हम आगे जाएंगे। तो आगे आप चलोगे तो रास्ते में बहुत परेशानी आएंगी। कोई नहीं, सामना करेंगे हम तो शांति से करेंगे। ये जो करें वो करिए।